मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you.